हेलो दोस्तों, स्वागत है एमजीआर टेक्निकल पर। दोस्तों हमारे पास है एक न्यू मॉडल टेबल फ़ैन जो कि आजकल तरह तरह के मॉडल में आ रहे हैं और स्पीड के मामले में देखा जाए तो बहुत ही अच्छी स्पीड इनकी देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों चूंकि इस फ़ैन में बहुत ही ज़्यादा कट कट की आवाज़ आ रही है, यानी कि अगर मैं इसकी आवाज़ सुनाऊं तो आपको बहुत ज़्यादा फीलिंग महसूस होगी। अब इसमें आवाज़ क्यों आ रही है दोस्तों, इसको अभी मैं खोलकर देखने वाला हूं और साथ साथ आपको भी इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं। तो दोस्तों यहां हो जाता है इसका एक बोर्ड जो कि जाल खोलने के लिए हमें सबसे पहले यहीं पर पेचकस के ज़रिए से या स्क्रू ड्राइवर के ज़रिए से इसे इस तरह से खोल लेना होता है। तो चलिए दोस्तों, ये हो जाती है हमारे पास इसकी वाइंडिंग डेटा। बेहतर होगा आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें जो कि बहुत काम आने वाला है। तो दोस्तों अब बारी आ जाती है इसको खोलने की। तो सबसे पहले जो यहाँ पर ऊपर एक जाल को टाइट करने के लिए नट या बोल्ट प्रोवाइड किया गया है, सबसे पहले उसको हम लूज़ कर लेते हैं और उसे इस तरह से बड़े ही आराम के साथ ये जाल इसका बाहर निकल आता है। अब जाल खोलने के बाद दोस्तों हमें जो इसका ब्लेड होता है उसको खोलने के लिए सबसे पहले इसके सामने जो फ्रंट पर जो ये चकनट लगा हुआ है उसको खोलना होता है। और उसको कैसे खोलते हैं दोस्तों, इसमें बिल्कुल इसमें सीधी चूड़ी नहीं होती, इसमें उल्टी चूड़ी होती है। अगर सीधी चूड़ी की तरह समझकर आप इसे खोलोगे तो ये ज़्यादा टाइट होता चला जाएगा और दरअसल इसमें उल्टी चूड़ी होती है, तो इसे उल्टी तरफ से खोलना होता है। और इस तरह से दोस्तों इसका ब्लेड निकाल कर बाहर कर लेते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं जो इसमें इसकी जो शाफ्ट में एक पिन लगी हुई होती है उसके ज़रिए इस जो हमारे पास ये तीन ब्लेड की पंखड़ी है इसका जो ग्रुप है वो इतना गहरा हो चुका है कि ये अंदर की ओर बहुत ज़्यादा अंदर की ओर जा रही है, जिससे ये बॉडी में टकरा रही है और खट खट की आवाज़ आ रही है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये खांचा इस कदर गहरा हो गया है कि ये बहुत ही अंदर की ओर जा रही है, जिससे इसका बैलेंस ख़राब हो गया है और ये जो इसका चकनट है उसमें लगने के बाद आवाज़ निकाल रही है। देखिए दोस्तों, इसके अंदर बिल्कुल जो मेरा टेस्टर है ये पूरे का पूरा अंदर इसके चला गया है, यानी इतना गहरा इसका ग्रुप बन गया है। तो इसको सही करने के लिए दोस्तों सबसे पहले जो इसका चकनट होता है ये वाला, ये इसकी शाफ्ट हो जाती है और यहाँ पर इसमें एक पिन लगी हुई होती है जिसकी वजह से ये कट चुका है। ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल कट चुका है। अब इसे ठीक करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम जो इसका चकनट होता है उसको लूज़ कर लेते हैं, यानी लूज़ करने के बाद इसको इस तरह से खोल लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा टाइट होता है, यानी कि पूरा का पूरा जाल जो है वो इसी पर रुका हुआ होता है। इसके अलावा और कोई भी इसमें बोल्ट नहीं होता, इसी के ज़रिए ये लगा हुआ होता है। अब दोस्तों यहाँ जो इसमें चार ग्रुप लगे हुए हैं ये ही इस पंखड़ी से टकरा रहे हैं, यानी ये ब्लेड अंदर की ओर चला गया है जिससे ये पंखड़ी में टकरा रहा है। तो दोस्तों इसे हम इस तरह से आरी से या जो लोहा काटने वाला ब्लेड होता है उससे इस तरह से दो सूत चारों को काट लेते हैं, इस तरह से एक एक करके जो ये चारों ग्रुप बने हुए हैं इनको हम काट लेते हैं। ध्यान रहे हमें सिर्फ इतना ही काटना है जितना जो कि ब्लेड से टकरा रहा है। ज़्यादा काटने से अगर हम इसे पूरा ही प्लेन कर देंगे तो
ये दोस्तों फिर इसे टाइट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी और ये टाइट नहीं हो पाएगा। तो ध्यान रहे, हमें थोड़ा थोड़ा ही इसको काटना होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं इसे काट लेता हूँ और अब मैं इसको थोड़ा सा, इसकी जो वाइंडिंग कार्ड डेटा होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, वैसे तो मैंने पीछे इसका एक वाइंडिंग डेटा का स्क्रीनशॉट दे दिया है, जो कि बेहतर होगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसके बाद मैं इसकी वाइंडिंग डेटा भी बता देता हूँ। दोस्तों, इसमें 24 स्लॉट की मोटर होती है और इसकी जो पिच होती है वो 8, 10, 12 की, यानी दो कॉइल नीचे स्टार्टिंग में और दो कॉइल इसकी रनिंग में नीचे और दो कॉइल स्टार्टिंग में ऊपर, यानी पूरी टोटल हमें 4 कॉइल बनानी होती है, जिसकी लंबाई दोस्तों 26 इंच होती है और इसकी टर्न जो होती हैं दोस्तों, रनिंग में इसकी टर्न होती हैं 310 और स्टार्टिंग में होती है 300। वायर गेज दोस्तों इसका 34 नंबर होता है। बाकी कैपेसिटर इसमें 2.5 से 3.25 तक आप चला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ मैं इसको अब लगा लेता हूँ और अच्छे से इस नट को, जो इसका चक नट है, वो अच्छे से मैं टाइट कर लेता हूँ। अब उसके बाद दोस्तों बारी आ जाती है इसका ब्लेड लगाने की। तो ये ब्लेड मैं इसमें इस तरह से लगा लेता हूँ, यानी कि जहाँ वो इसमें शाफ्ट में पिन लगी हुई होती है, वहाँ इसका जो ग्रुप या खांचे होते हैं इस पंखड़ी में, उनको इसमें फिक्स कर लेते हैं ताकि शाफ्ट फ्री ना घूम सके। और जैसे ही शाफ्ट घूमेगी तो साथ साथ इसका ब्लेड भी घूमेगा। तो यहाँ दोस्तों अभी इसमें थोड़ा सा कमी और है जो लग रही है, यानी जैसे ही मैंने इसको चलाकर देखा तो ये अभी इसमें लग रही थी, यानी ये इतनी अंदर जा चुकी है कि इसकी सेटिंग बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। अब थोड़ा थोड़ा जो इसके अंदर के जो कॉर्नर में लगे हुए होते हैं, यानी कि जो इसकी अंदर ब्लेड के अंदर जो इसकी दीवारें होती हैं, उसे भी मैं थोड़ा थोड़ा इस तरह से प्लास के ज़रिए तोड़ लेता हूँ, ताकि ये चक नट से बिल्कुल भी ना टकराए और किसी भी तरह की कोई भी आवाज़ बाहर ना निकल पाए। तो एक एक करके दोस्तों ध्यान रहे, थोड़ा थोड़ा ही इसको तोड़ना है, ये नहीं कि बहुत मुंह भर करके प्लास का इसको तोड़ लिया जाए, जिससे कि सारे ही ब्लेड हमारा ख़राब हो जाए और अगर इस कंडीशन में फिर हमको नया ही ब्लेड लाना होता है। तो इसमें ध्यान रहे, थोड़ा थोड़ा ही इसको तोड़ना होता है। तो ये देखिए दोस्तों, अब ये बिल्कुल फिक्स हो चुकी है और अब इसमें किसी भी तरह की कोई आवाज़ नहीं आ रही है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इसको इसी तरह से फिक्स कर लेता हूँ, यानी कि यहाँ ये बिल्कुल अच्छे से मैंने टाइट कर ली है और अब बारी आ जाती है इसको चलाकर देखने की, यानी इसमें आवाज़ बिल्कुल आ रही है या नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ ये बिल्कुल भी किसी भी तरह की कोई आवाज़ इसमें नहीं आ रही है और ये बहुत ही अच्छे से काम करना लग गया है। तो दोस्तों, यहाँ हमारी वीडियो पूरी हो जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ साथ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचे, तो इसके लिए आपको बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना होगा, ताकि बिना देरी किए मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।